हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज मैं आया हुआ था चुपेल के रॉयल कमीशन एरिया में, और रॉयल कमीशन एरिया में फनातीर बीच है, फनातीर कॉर्निश कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे आया था, तो सोचा कि चलो आपको इसका टूर भी दे देते हैं। तो मौसम तो अच्छा है, और मेरे पीछे भी बैकग्राउंड ज़बरदस्त है, सारे कॉमर्शियल शॉप्स हैं पीछे। और आज वीकेंड भी है, तो काफ़ी ज़्यादा रश भी होने वाला है। तो ये पीछे है मेरे, आप देखेंगे दूर तक तो दिखेगा आपको, ये जो है पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शिया कह सकते हैं। और अभी ठीक ठाक है मौसम भी, ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन ठीक है, हवा भी अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल अभी ठीक ठाक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली ये प्लेस का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, और फिर जो है हम आपको टूर देते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, और एक छोटा सा रेड कलर का आपको दिखता होगा पीछे, ये बिल्कुल वाइट कार के ये पीछे जो आ रही है वहाँ से। तो ये है स्टेक हाउस है, और पीछे जो कश्तियाँ चल रही हैं यहाँ से थोड़ा दूर में मरीना है, इस तरफ साइड में जाएंगे तो मरीना है। तो वहाँ पे आप जा कर के शिप रेंट पे ले सकते हैं, मिनिमम 4% चाहिए, 200 रियाल में देते हैं 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से आप शिप में यहाँ का टूर ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये है। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं आपको, दिखाते हैं सी के पास। अभी जो है ज़्यादा रश नहीं है, सी में स्टेबल है, और पीछे बिल्कुल ये देखें डीप सी है नीचे तक। तो काफ़ी बड़ी कॉर्निश है ये मेरे, यहाँ से यहाँ तक अब देखेंगे, और इस तरफ दोनों तरफ तो काफ़ी लंबी कॉर्निश हो जाती है यहाँ से वहाँ तक। और अभी वक्त जो हो रहा है तकरीबन 6 बजने वाले हैं शाम के, और सूरज ढला नहीं है फ़िलहाल। तो ये भी है कंडीशन है, सीन है, और फैमिलीज़ के लिए स्पेशली ये है काफ़ी, 1-2 घंटे बाद काफ़ी रश हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बैठने की जगह तक नहीं मिलेगी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे जो है वहाँ पे अपना बैठने का अरेंजमेंट कर लिया है। तो फैमिली के साथ आने के लिए अच्छी जगह है, और फैमिली के साथ आए इसको एक्सप्लोर करें एरिया को। और अब तक का ये व्यू है, तो यहाँ से मैं आपको नकिल बीच भी दिखा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी रश है यहाँ पर, लोग काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये रहा सामने, जब हम देखेंगे तो ये छोटी छोटी कश्तियाँ दिख रही हैं आपको। तो आगे मरीना है, पर पर्सन जो है यहाँ पे आपको 50 रियाल लेते हैं, और मिनिमम जो है आपको 4% होना चाहिए इनको ठहर करने के लिए, और 1 घंटे के लिए जो है वो 200 रियाल चार्ज करते हैं। तो ये है तक का नज़ारा। और सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये भी नया कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रखी हुई हैं, तो वक्त मौका मिलेगा तो लेके जाएंगे आपको वहाँ पर भी। और जो आप सामने दिख रहा है जो रश है, तो वहाँ भी दोस्तों मेरे पीछे एक ट्रिक भी है काफ़ी दूर, ये नहीं ये, हाँ वो दूर काफ़ी दूर रिक दिखता होगा आपको शायद, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो कैमरा बैक करते हैं और दिखाते हैं रिक को, शायद मैं लेना चाहूँगा। तो दोस्तों आप जो सामने दिख रहा है आपको वो है रिक, जहाँ से ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल। तो काफ़ी जूम इन किया है मैंने, और स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तब इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। से 8 किलोमीटर की दूरी पर वो रिक है, और बाकी कश्तियाँ चल रही हैं। वीकेंड है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं वॉक करने के लिए, और तो अच्छा माहौल बना हुआ है फिलहाल। और मुझे तो नकली रिच पर काफ़ी ज़्यादा रश दिख रहा है, फिलहाल। सो दोस्तों ये है अब तक का सीन, और लोग फिशिंग भी करने आते हैं यहाँ पे, सारा अरेंजमेंट रहता है फिशिंग का। आप मेरे पीछे यहाँ देखें तो लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या नज़ारे हैं यहाँ के, लेकिन काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। तो आप आएँ फैमिली के साथ तो आपको अच्छा लगेगा।
दोस्तों ये नज़ारा है काफ़ी बेहतरीन, मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बोट्स भी जो है आ रही हैं। तो दोस्तों व्यू पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं समुंदर के चारों तरफ। तो ये पीछे मेरे कॉर्निश है, काफ़ी लंबा दूर तक है, मेरे ख्याल से तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास होगा ये कॉर्निश फनातीर का। और पीछे सारा कमर्शियल होटल्स रेस्टोरेंट है, आपको खाने की कोई फिक्र नहीं करनी है। एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है चीप एंड बेस्ट, मैं आपको बताता हूँ, ग्रिलो आए और वहाँ पे आपको स्पेशली जो है बर्गर, पिज़्ज़ा और शावरमा, बिरयानी स्पेशली मिलती है। तो आए और इन्जॉय करें इस रेस्टोरेंट को। और ये पीछे का नज़ारा है मेरे, और छोटा सा इन्होंने गार्डन भी पीछे बना रखा है, तो ओवरऑल मज़ा आ रहा है फ़िलहाल। तो इन्जॉय करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसी तरह से नज़ारे दिखाते रहूँगा मैं। ईस्टर्न प्रोविंस का कॉर्निश है, काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो शिप है ब्राउन कलर की, यहाँ ट्रिप के लिए आती है, काफ़ी बड़ी शिप है। तो आपको चलिए दिखाते हैं क्लोजअप उस शिप का और मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरी शिप पब्लिक से भरी पड़ी है, आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। शायद इसमें छोटी दिखती हो लेकिन है काफ़ी बड़ी है शिप, इन्जॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर। बेटा इधर इधर, कम ऑन, सो हेलो दोस्तों, मगरिब का वक्त हो गया है, शाम ढल गई है और नज़ारा कुछ इस तरह से आप कमर्शियल तरफ देखेंगे मेरी तरफ, तो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने बनाया है। और ये पीछे समंदर और वो पीछे रहा रिग जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है, और पीछे ये रहा सारा मार्केट। तो अच्छा है लग रहा है फ़िलहाल, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है और गर्मी एक्चुअली कम हो गई है। तो अभी जाते हैं, थोड़ा खाना वाना लेके आते हैं और खाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये अभी मॉल बना हुआ है पीछे का, ये अभी दूर तक काफ़ी लंबा है ये कॉर्निश। पीछे स्टेक हाउस की भी लाइट चल रही है शायद, हाँ वो रेड वाली जी। तो ये माहौल तक का है, तो
तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह दोस्तों थोड़ी देर बाद आप। सो दोस्तों ये पीछे कॉफ़ी शॉप वगैरह यहाँ पे है, तो आपको ले चलते हैं और शॉप्स को एक्सप्लोर कराते हैं। तो ये कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल, यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लोग आते हैं मज़ा लेते हैं, चाय वाय पीते हैं यहाँ पे आकर के, और साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए, एक रेस्टोरेंट है ग्रिलो, चीप एंड बेस्ट है यहाँ पे, और सब तो रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन वो ठीक है, आप मैनेजेबल है, आप फैमिली के साथ आकर के वहाँ पे मज़े ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंजॉय कीजिए वीडियो को, देखते रहिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने बनाया बड़ा खूबसूरत है, ये रॉयल कमीशन का इलाका जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बेहतरीन है, और हर तरह की शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आएंगे फैमिली के साथ तो खाने वाने की सारी सहूलियतें यहाँ पे मौजूद हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, अरबिक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, महाराजा है, आप तंदूरी नाइट्स करके है रेस्टोरेंट है, तो ये सारी शॉप्स हैं। पीछे देखने परफ्यूम की शॉप से मिले, तो यहाँ पे लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं। तो ये है चाय कॉफ़ी की शॉप्स वगैरह, तो अभी तक का सही है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं तो, काफ़ी रह चुका हूँ यहाँ पे, 2 साल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गुजारे हैं। आगे चल के मेरा एकोमोडेशन था जब मैं जॉब कर रहा था इस्लाम। पीछे ये चॉकलेट वगैरह की शॉप से, और वो रहा हमारा रेस्टोरेंट जहाँ को जाना है मेरे लोग, तो चलिए गया भी है, काफ़ी गुस्से में छिप गई है इधर जा कर के। हाय, तो दोस्तों ये रहा सामने ग्रिलो रेस्टोरेंट, इधर से रोड क्रॉस करना है हमको, देख लेते हैं गाड़ी कैसे तो आ तो नहीं रही है ना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, तो चलिए रोड क्रॉस कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है रेस्टोरेंट में, फिर भी चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि नमाज़ के बाद अक्सर रेस्टोरेंट में रश हो जाता है यहाँ पे। तो ये रहा ग्रिलो, काफ़ी इन्होंने इसको रिनोवेट कर दिया है, ग्रिलो को काफ़ी चेंज हो गया है, पहले बिल्कुल छोटा था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह। सो दोस्तों खाना ले लिया, पैक करा लिया, 15 मिनट में खाना ऑर्डर कर दिया उन लोगों ने मेरा डिलीवर, तो चलते हैं भाई वापस लोकेशन पे, बीच पे थोड़ा तो रूट भी क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए दौड़ना पड़ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है, अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, आइए थोड़ा घूमिए उमिए देखिए मज़ा लीजिए, तो अच्छा लगेगा आपको भी। यहाँ पे फैमिली के साथ जब आएंगे तो आप वैसे बैचलर भी आ सकते हैं, तो इसमें नो इशू, बैचलर्स के लिए भी लगा हुआ है यहाँ पे आना, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि बैचलर नहीं आ सकते, लेकिन नो इशू आप आ सकते हैं। सो दोस्तों ऑलमोस्ट रात के 8 बज गया है और खाना भी फिनिश हो गया हम लोगों का, तो अब जो है हम यहाँ से जाएंगे, और होपफुली आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले इस तरह के वीडियो को एक्सप्लोर करने के लिए। और पीछे रोशनी जो है काफ़ी अच्छी तरह से खिल गई है, और रिग भी जो है आपको शायद दिखे या ना दिखे, मैं बैकग्राउंड में काफ़ी मेरे जब कान के ऊपर से देखेंगे वाइट कलर का चमक रहा है, वही रिग है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह जाएंगे हाफ मून बीच, और हाफ मून बीच आपको एक्सप्लोर कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।